हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल फीचर्स पढ़ लिया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं जेनरा। तो द फर्स्ट जेनरा इज द लाइकोपोडियम। सो व्हाट इज द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ लाइकोपोडियम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सिस्टमेटिक पोजीशन। Division is Lycophyta, after division class, class के बाद order, after order family and the last is genus. So the class is Eaglopsida. Order is Lycopodiales. Family is Lycopodiaceae and the genus is Lycopodium. So it is the systematic position of the Lycopodium. Division Lycophyta, class Eaglopsida, order Lycopodiales, family Lycopodiaceae and the genus is Lycopodium. Now the genus Lycopodium is a genus which is represented by about 200 species. करीब 200 species पाई जाती हैं Lycopodium की and they occurs in variable condition. They are found in variable condition and they are generally occur on moist and shady places. Moist and shady places पर ये ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो ये हो गया अक्रेंस। अक्रेंस के बाद है स्पोरोफाइट। As I have told you earlier that pteridophyte की जो प्लांट बॉडी होती है, it is divided into स्पोरोफाइट and गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफिटिक प्लांट एंड गैमेटोफाइट इज द लेस डोमिनेंट और वेरी शॉर्ट लिव्ड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफिटिक प्लांट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ इज स्पोरोफाइट और वी कैन से इट इज द एडल्ट प्लांट बॉडी। So the sporophyte of the Lycopodium consists of root, stem and leaf. The root is dichotomously branched. The root is always dichotomously branched. The stem is slender और जो leaf होती है ये होती है न्यूमरस एंड वेरी छोटी छोटी पत्तियां ढेर सारी पाई जाती हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच क्या होता है, जैसे ये देखिए रूट है तो ऐसे हो जाएगा, हमेशा बाइफर्केशन होगा। अगर इससे भी कोई निकल रहा है तो ये इस तरह से हो जाएगा, फिर इससे अगर फर्दर निकल रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगी, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हो जाएगी। इस तरह की ब्रांचिंग को कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच। Now, this is the external structure. Now, we will discuss the internal structure of the Lycopodium. Internal structure of Lycopodium plant. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे stem का internal structure. Stem का internal structure हमने यहाँ पर draw कर दिया है, देखिए। The outermost covering is known as epidermis. उसके बाद करीब 6 से 7 लेयर का पाया जाता है कॉर्टेक्स। अगर हम यंगर प्लांट्स में देखें, यंगर लाइकोपोडियम स्टेम में देखेंगे तो वहां पर आपको कॉर्टेक्स में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट क्या होता है, मैच्योर होता है, वहां पर आपको डिफ्रेंशिएशन दिखाई देगा। यहाँ ऊपर के पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में, एंडोडर्मिस के जस्ट ऊपर और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो कॉर्टेक्स
की लेयर होती है उसमें स्क्लेरेन्काइमा का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से डार्क कलर के दिखाई देते हैं। अगर यंगर प्लांट में देखेंगे तब नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैच्योर प्लांट में ये जो कॉर्टिक्स की लेयर होती है ये क्या हो जाती है, इट बिकम स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर। तो ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, वैसे नॉर्मली ये पेरेन्काइमेटस होती है। आफ्टर कॉर्टिक्स की जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो क्या बना लेती है, एंडोडर्मिस बना लेती है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल पाया जाता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि पेरिसाइकिल कितने लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, लेकिन यहां पर आपको पेरिसाइकिल 3 से 6 लेयर तक का पेरिसाइकिल दिखाई देता है। एंडोडर्मिस की जो वॉल होती है, जो मेच्योर जो यंगर सेल्स होती हैं, यंगर स्टेम का जो टीएस आप कट करेंगे तो एंडोडर्मिस की वॉल में आपको दिखाई देगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखाई देता है। और इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है या जो स्टील होता है इसमें पिथ एब्सेंट होता है और इसमें प्रोटोस्टील दिखाई देता है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। द फर्स्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, इट इज आउटर मोस्ट लेयर और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटीन की कवरिंग पाई जाती है। तो एपिडर्मिस इज क्यूटीनाइज और बीच बीच में आपको स्टोमेटा भी दिखाई देंगे। तो स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रीजन। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट जस्ट बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। एंड इन मैच्योर स्टेम इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर। इन यंगर स्टेम आपको कोई भी डिफ्रेंशिएशन ये नहीं दिखाई देगा। जस्ट बिलो कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इसमें आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप भी दिखाई देंगे। और जस्ट बिलो एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट, पेरिसाइकिल इज जनरली ऑफ 3 to 6 लेयर्स। एंड जस्ट आफ्टर पेरिसाइकिल अगर स्टील की बात करें तो इसमें पाया जाता है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील यानी कि जाइलम को पूरी तरह से घेरे रहता है क्या, फ्लोएम, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोस्टील। तो ये था टीएस ऑफ स्टेम के बारे में।